बेटी बचाओ, अरे जारी हटाओ बेटी बचाओ, जारी हटाओ बेटी बचाओ, जारी वारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई मरने का अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। नेचुरल जस्टिस और जेंडर जस्टिस के नॉर्म्स के तहत ही आपको सबसे पहले सस्पेंड करना होता है। कोई भी इंसान जो पावर पोजीशन पे बैठा है उसको सस्पेंड करके ही फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो सकता है और आगे जस्टिस इंश्योर किया जाता है। और ये जो इंसान है, ये कोई ऐसा केस नहीं है कि एक केस हुआ आप माफ़ी, आप मतलब वार्निंग दे दीजिए, आपको कोई पनिशमेंट दे दीजिए और छोड़ दीजिए। 7 कंप्लेनेंट्स ने रात को 6 घंटे तक पुलिस के साथ जद्दोजहद के बाद FIR फाइल किया है। उस पर एक्शन होना चाहिए, जेएनयू प्रशासन को उसको सस्पेंड करना चाहिए। उसके बजाय जेएनयू प्रशासन एक प्रेस रिलीज निकालता है जिसमें बोलता है कि फ्यू कंप्लेनेंट्स केम एंड टॉक टू अस। आपका मतलब क्या है, कितना कंप्लेनेंट्स आना होगा जिसके बाद आप बता दीजिए कि आप स्टैंड लेंगे, आप बता दीजिए कि आप सस्पेंड तब करेंगे जब इतना नंबर ऑफ कंप्लेनेंट्स आ जाएगा। और उसके बाद ये बोलते हैं ही हैज़ टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन। व्हाई डू यू केयर अबाउट हिज रेजिग्नेशन? आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए था कि उनको तुरंत सस्पेंड किया जाता और फ्री एंड फेयर इंक्वायरी उनके खिलाफ चलाया जाता। ये जो सिंपथी जेएनयू प्रशासन उनके पक्ष में तैयार करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे के हम लोगों पे कोई एहसान नहीं किया है। उस आदमी को बकायदा बहुत पहले इस कैंपस से चले जाना चाहिए था, बल्कि उनके सर्विस रिकॉर्ड में ही लिखना चाहिए था कि वो कोई ऐसे ही आता जाता, कोई ये नहीं है कि किसी लड़की को छेड़ दिया है। ही इज़ अ सेक्सुअल प्रीडेटर, ही इज़ अ सीरियल सेक्सुअल ऑफेंडर, जो कोई एक मिनिमम एक केस नहीं है उनके खिलाफ, 7 उनकी लैब में जितनी लड़कियां हैं सबका यही कंप्लेन है। कुछ हिम्मत दिखा पाए, कुछ नहीं दिखा पाए, मान लीजिए। पुलिस हमें कोई जवाब नहीं देना चाह रही है, वो पुलिस हमने डिले करने कर रही है। फ्राइडे को पूरा वर्किंग डे था उनके पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जब हमने रात को 7:30 बजे पुलिस स्टेशन मार्च के लिए कॉल दिया है, तब 9 बजे आके उन्होंने समन सबमिट किया है सभी स्टूडेंट्स को, और तब उन्होंने जाके प्रोफेसर अतुल जौहरी को नोटिस दिया है। 24 घंटे के डिले के बाद, ऐसे तो अगर नॉर्म्स जेंडर जस्टिस की और लॉ के हिसाब से देखें तो अर्जेंट कंडीशन में और सेंसिटिविटी के केस को देखते हुए आप जज के घर पे जाके कितनी भी रात को स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि आज सैटरडे और संडे 2 दिन वीकेंड पड़ जाएगा, जेएनयू प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन भी आज वर्किंग डे पे नहीं है, इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उन्होंने उठाया है और इस चीज़ को डिले करके मंडे को उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने आने के लिए सम्मन दिया है। चांसलर को अथॉरिटी नहीं है इस मामले में शिकायत दर्ज करवाने के लिए। FIR का अधिकार था, हम लोगों ने ऑब्वियसली मैडम सामने जब FIR हुआ है तब हम लोग उनके पास आए। अगर GS कैश होता तो हम लोग GS कैश के पास जाते, वहाँ पे हम लोग दर्ज करवाते, और GS कैश का ये काम होता कि वो जाके सबमिट करे वाइस चांसलर के पास कि एक ऐसा बहुत ही सीरियस केस हमारे पास आया है। लेकिन क्योंकि GS कैश नहीं है, ICC में ICC अभी तक कोई फेथ इस कैंपस में जनरेट नहीं करवा पाया है, किस तरीके से उसको एक नॉमिनेटेड बॉडी बना के वहाँ बैठाया गया है, इसलिए हम लोगों ने बेहतर समझा कि हम लोग सीधे पुलिस स्टेशन जाएँ। और जैसा कि हम लोगों ने पास्ट में भी देखा है कि हम लोग GS कैश के पास जाना बेहतर समझते थे, हम जाते तो GS कैश उसको वाइस चांसलर के पास पहुंचाता। उसके बाद हम लोगों ने डीन को एक लेटर सबमिट किया है, SLS के स्टूडेंट्स ने, वही लेटर वाइस चांसलर को भी सबमिट किया गया है फ्रॉम ऑल द कंप्लेनेंट्स एज वेल एज द SLS स्टूडेंट्स। फिर भी